अब हमारे पास आप ये देख रहे हैं सामने एक नोटिस आया हुआ है ASMT 10, ठीक है ना जी। ये जो नोटिस है अब हम ये देखेंगे नोटिस आया है सही है या नहीं और इसका रिप्लाई कैसे दिया जाता है। पहली चीज आपको ये चेक करनी है कि ये जो भी नोटिस आपके पास आया क्या ये ऑनलाइन मोड में आया या ऑफलाइन में। सर ये कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा इसके लिए आप पोर्टल पर जाएंगे और पोर्टल पर जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे सर्विसेज में, यूजर सर्विसेज में, और यूजर सर्विसेज में कई लोग यहाँ पर देखते हैं व्यू नोटिस एंड ऑर्डर और उसके बाद ये मान लेते हैं कि भैया ये तो हमारे पे शो नहीं कर रहा। लेकिन आपको व्यू नोटिस एंड ऑर्डर के साथ साथ आपको क्या देखना है? व्यू एडिशनल नोटिस एंड ऑर्डर। तो जब आप व्यू एडिशनल नोटिस और ऑर्डर पे गए तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास यहाँ पर एक नोटिस आया हुआ है और नोटिस है स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न के अंदर जो कि 16/11/2019 को इशू किया गया था। आप इसके बाद गए व्यू पर, ठीक है ना जी। जब आपने इसे व्यू करा तो यहाँ पर तीन चीज़ें आ गई कि भाई एक तो नोटिस है और ड्यू डेट ऑफ रिप्लाई क्या है इसकी 30/11 है। नोटिस कौन से सेक्शन के अंदर इशू हुआ है? 61। और ये आपकी दो अटैचमेंट है, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं दोगे तो डायरेक्ट नोटिस के बाद ऑर्डर इशू हो जाएगा, और अगर आप इसका रिप्लाई दे देते हो तो आपको यहाँ पर से ही रिप्लाई दे देना है, ठीक है जी। इसका रिप्लाई आपको यहाँ से ही देना है। रिप्लाई कैसे करोगे? रिप्लाई पे गए और ऐड रिप्लाई पे क्या कर दोगे? क्लिक, ठीक है जी। तो यहाँ पर नोटिस आ गया, इसका रेफरेंस नंबर आ गया और इसकी डेट ऑफ इश्यू आ गई। अब इसमें क्या कहता है कि जब आप रिप्लाई दे रहे हो तो आप अपना रिप्लाई हमें बता दो, और अगर आप कोई डिमांड एडमिटेड करते हो या पेड करते हो वो भी हमें बता दो। तो अगर हमारे केस में हमने कोई डिमांड एडमिटेड करी है तो ठीक है, नहीं तो सिंपली हम इसका रिप्लाई लिखेंगे यहाँ पर। चाहे आप उसे पहले वर्ड फाइल पे बना लेना, चाहे एक्सेल फाइल पे बना लेना, चाहे नोटपैड पे बना लेना, उस रिप्लाई को यहाँ पर पेस्ट कर देना। उसके बाद यहाँ पर जो आपको अटैचमेंट करनी है वो अटैच कर देना, और अटैचमेंट करने के बाद इसे सिंपली सबमिट कर देना, ठीक है ना। लेकिन रिप्लाई आप जरूर दे देना। रिप्लाई देने का रीज़न क्या है हमारा? कि वो सामने वाला क्या ना पास कर दे, ऑर्डर पास ना कर दे, ठीक है ना। क्योंकि रिप्लाई नहीं दिया तो वो डायरेक्टली ऑर्डर पास करेगा। तो इससे इसका रिप्लाई देने से पहले एक बार नोटिस को पढ़ना तो जरूरी है कि भाई नोटिस क्या क्या रहा है। और नोटिस दो अटैचमेंट है हमारे पास तो दोनों पढ़ेंगे। तो उन दोनों अटैचमेंट्स को हमने डाउनलोड कर लिया और नोटिस आया ASMT 10 में रूल 99। तो साथ के साथ हम क्या ओपन कर लेंगे? रूल 99। जितनी चीज़ें हमें पढ़ती रहेंगे नोटिस में वो पहले एक बार खोल के देखते रहेंगे, क्योंकि अगर आप वो चीज़ें खोल के नहीं देखोगे तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अब रूल 99 क्या कहता है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न्स। कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, भाई जो तुमने रिटर्न सबमिट करी है हम उसकी क्या करेंगे? स्क्रूटनी करेंगे। क्या कहता है? वेयर एनी रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इज सिलेक्टेड फॉर स्क्रूटनी। कि जहाँ पर आपने जो रिटर्न फर्निश करी है उसे हमने किसके लिए सिलेक्ट कर लिया? स्क्रूटनी के लिए। द प्रॉपर ऑफिसर शैल स्क्रूटनाइज द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61। कि ये किसके साथ इसे स्क्रूटनी करेगा, किस सेक्शन से पावर ले रहा है ये? 61। हमने कहा चलो सेक्शन 61 भी पढ़ लेते। अब सेक्शन 61 क्या कहता है? स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न। क्या कहता है? द प्रॉपर ऑफिसर मे, यहाँ पे वर्डिंग क्या है? मे। आप ये नहीं कह सकते भाई तूने उसकी तो स्क्रूटनी नहीं करी, मेरी क्यों कर रहा है, मेरे से क्या दुश्मनी है। तो यहाँ पर तो उसकी मर्जी है। तो कहता है द प्रॉपर ऑफिसर मे। कई बार होता है यार, आप रोड पे खड़े होते हो, आपका चालान काट दिया, आपको गुस्सा आ गया, अरे सर दूसरे बाइक से तो निकल गए आपने मेरा क्यों काटा। तो वो हमें लॉ पढ़ा देते, कहते हैं हमारा मतलब क्या है यहाँ पर? मे, हमारी मर्जी, ठीक है, हमें तुम अच्छे लगे हमने तुम्हारा काट दिया, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि द प्रॉपर ऑफिसर मे स्क्रूटनाइज द रिटर्न एंड रिलेटेड पर्टिकुलर्स फर्निश बाय द रजिस्टर्ड पर्सन टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ रिटर्न। क्या चेक कर रहा है ये? करेक्टनेस, कि भाई ये रिटर्न्स करेक्ट हैं या नहीं। एंड इन्फॉर्म हिम, और उसे साथ में क्या करेगा? ये इन्फॉर्म करेगा। तो अभी बेसिकली क्या कर रहा है वो? आपको एक इन्फॉर्म कर रहा है,
हिम टू द डिस्क्रिपेंसी नोटिस इफ एनी इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ प्रिस्क्राइब्ड की जगह क्या लिख लोगे, लिख लो रूल 99 और क्या लिख लोगे ASMT 10 कि आपको रूल 99 में एक ASMT 10 दे दिया जाएगा। इन केस द एक्सप्लेनेशन इज फाउंड एक्सेप्टेबल, उसके बाद क्या कह रहा है कि तुम क्या दो अपनी एक्सप्लेनेशन। तो ये जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ये किस में दूंगा, ASMT 11 में। किस में दूंगा, ASMT 11। अगर वो एक्सेप्टेबल हुई द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इन्फॉर्म अकॉर्डिंगली एंड नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन, कि उसके बाद हम उसके बाद कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो जो अभी हम ये रिप्लाई दे रहे हैं इट मे बी डेट इज आवर फाइनल रिप्लाई। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा क्या हो, फाइनल रिप्लाई हो, उसके बाद वो हो ही ना। इन केस नो सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन इज फर्निश, अगर आपने सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं दी विद इन ए पीरियड ऑफ 30 days और बींग इन्फॉर्म्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अब यहाँ पर देखो एक कमी है। सबसे पहले हर एक वकील का काम होता है, हर एक प्रोफेशनल का काम होता है कि जो उससे नोटिस भेजा गया उसमें कमी निकाले। अब ये क्या कह रहा है कि तुम्हें रिप्लाई कितने दिन में देना है, 30 days में। लेकिन जो यहाँ पर नोटिस दिया गया कब दिया गया, 16/11, और इसकी ड्यू डेट क्या की गई, 30/11। भाई तुमने तो पहली बार नोटिस ही गलत इश्यू कर दिया, क्योंकि तुम्हें मेरे को एज पर सेक्शन 61 कितने दिन का टाइम देना है, 30 दिन का, और दे कितने का रहे हो, 15 दिन का दे रहे हो। तो मेरे साथ तुमने बेईमानी कर ली। तो मैं इस ग्राउंड पे क्या कह सकता हूँ कि ये नोटिस गलत है, ठीक है जी। अगर GST ऑफिसर भी ये सेक्शन पढ़ लेगा तो वो नोटिस को ठीक कर देगा। और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय हिम और वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना। यहाँ पर एक चीज़ समझना, कल को अब ऐसे यहाँ पर जिद पर अड़ गया, सेक्शन पढ़ लिया और जिद पर अड़ गया कि भाई जब मुझे तो 31 दिन का टाइम दिया गया, 30 दिन का टाइम दिया, तो मैं तो 30 ही दिन में दूंगा, मैं तो 15 दिन में नहीं दे रहा। मैंने कहा भाई झगड़ा मत कर, क्योंकि अगर तू अभी रिप्लाई कर देगा तो कम से कम तू ये कह सकता है कि तेरा ये गलत है, है ठीक है। अगर आप कल भी रिप्लाई करोगे, वैसे आज इसकी लास्ट डेट है 30/11, आज भी रिप्लाई कल भी रिप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन आप अपना पक्ष मजबूत करके रखो, ठीक है। आप इस चीज़ पे, इस ग्राउंड पे इस नोटिस को इनवैलिड कर सकते हो, लेकिन रिप्लाई देना, ये नहीं कि गलत है तो रिप्लाई देना ही नहीं। अगर किसी की गलती है तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना, भाई ये तुम्हारी गलती है, ठीक है। आफ्टर एक्सेप्टिंग द डिस्क्रिपेंसी, अगर तुम डिस्क्रिपेंसी एक्सेप्ट कर लेते हो, फेल टू टेक द करेक्टिव मेजर, तो भाई इसे क्या कर लो, करेक्ट कर लो। करेक्ट करने का मतलब क्या है, अगर तुम्हारी डिमांड है तो पे कर दो, ठीक है ना। इन हिज रिटर्न फॉर ए मंथ इन विच द डिस्क्रिपेंसी इज एक्सेप्टेड, कि भाई जिस मंथ में डिस्क्रिपेंसी हुई, ठीक है ना, उसमें आप जिसमें एक्सेप्ट कर रहे हो उस मंथ में। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा नहीं करे, यहाँ पर तो क्या करें, अभी पे कर। यहाँ पे क्या करें, अभी पे कर। भाई मैं अभी पे क्यों करूँ, ठीक है ना, एडमिटेड एंड पेड कह रहा है ना कि अभी पे करो। मैं अभी पे क्यों करूँ, क्योंकि सेक्शन मुझे क्या कह रहा है, किसमें पे करो, कब पे करो भाई, रिटर्न में पे करो। लेकिन यहाँ पर पोर्टल क्या कह रहा है मुझे, अमाउंट एडमिटेड एंड पेड। मैंने भाई तुम ऐसा क्यों, वो कहता पोर्टल का लो अलग है और CGST लो अलग है, ठीक है ना। लेकिन मैं कौन सा मानूंगा, मैं तो CGST लो मानूंगा ना भाई, पोर्टल के लो को थोड़ी मानूंगा। दूसरी चीज यहाँ पर ये है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ये जमा नहीं करूंगा। अगर मैं एडमिट भी कर लेता हूँ, तो कब पे करूंगा, जिस मंथ की रिटर्न में मैंने उसे एक्सेप्ट किया है। द प्रॉपर ऑफिसर मे इनिशिएट, अगर मैंने ये पे नहीं करा तो वो क्या करेगा, अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा सेक्शन 65 में, मतलब मेरा क्या करा देगा, ऑडिट। डरा रहे हैं मेरे को, ठीक कर ले बेटा गलती, नहीं तो क्या करा देंगे, ऑडिट। सेक्शन 66 में स्पेशल ऑडिट करा देगा, सेक्शन 67 में हाँ सर्च एंड सीजर करा देगा, और प्रोसीड टू डिटरमाइन द टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर सेक्शन 73 और 74, कि नहीं तो भाई हम 73-74 भी लगा सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था। मैंने कहा भैया मत डराओ हमें, ठीक है, तुम ऑडिट करा दोगे 65 में, 66 में, ठीक है ना, और लास्ट में क्या बोला था उन्होंने, हम इंस्पेक्शन सर्च और सीजर करा देंगे, नहीं तो फ्रॉड का केस तुम पर लगा देंगे। मैंने कहा हमें डर लग गया, हमें मत करो, चलो पहले नोटिस पढ़ लेते हैं इनका। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, यानी हाँ जी, अब इनका नोटिस पढ़ लेते हैं। नोटिस क्या दिया इन्होंने, वैसा ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, नोटिस दे सकते थे, दे सकते थे, लेकिन 30 दिन का टाइम तुम्हें देना था, एक गलती हमने तुम्हारी पकड़ ली। चलो अब आ गया जो, अब इन्होंने नोटिस दिया हमें 16/11 को, और क्या बोला,
अप्रैल टू सितंबर, क्या बोला? अप्रैल टू सितंबर फाइनेंशियल ईयर 19-20। टाइप ऑफ रिटर्न 3B। इन्होंने हमारी 3B चेक करी और चेक करने के बाद क्या पाया इन्होंने, टैक्स पेयर क्लेम्ड ITC अगेंस्ट फेक इनवॉइस। अब मैं डिपार्टमेंट को इस क्वेश्चन पे घेरता हूं कि भाई तुम कैसे कह सकते हो कि ये फेक इनवॉइस है? तुमने मेरे ऊपर फेक इनवॉइस बोला, मतलब कि मेरे माथे पर लिख दिया कि असैसी चोर है, ठीक है ना? मैं मानहानि का दावा भी यहां पर ठोक सकता हूं क्योंकि तुम डायरेक्टली मुझे क्या कह रहे हो, फेक इनवॉइस। भाई तुम मुझे फेक इनवॉइस कह रहे हो, तुमने प्रूव करो पहले कि ये फेक है कैसे। आप मुझे चोर नहीं कह सकते, अपराधी तब तक अपराधी नहीं कहलाया जा सकता जब तक उस पर अपराध साबित नहीं हो, लेकिन तुमने शुरुआत में मुझे क्या बोल दिया, फेक इनवॉइस। तो इस तरह के वर्ड्स की मैं उम्मीद नहीं करता डिपार्टमेंट से जो उन्होंने मुझे दिया। तो कहता है ITC टैक्स पेयर हैड क्लेम्ड ITC अगेंस्ट फेक इनवॉइस और इनवॉइसेस इशूड बाय नॉन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर 19-20, कि भाई तुमने ना ऐसे व्यक्ति से परचेज कराए जो क्या है, नॉन एग्जिस्टिंग। अरे भाई गुरुजी मुझे बताओ, अगर वो नॉन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है, उसे नॉन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर अगर वो है, आप ये बताओ रजिस्ट्रेशन किसने दिया, मैंने दिया या तुमने दिया? डिपार्टमेंट ने दिया ना रजिस्ट्रेशन, और जब डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन दिया तो भाई तुमने उसका आधार कार्ड का एड्रेस लिया था, पैन कार्ड लिया था, बैंक अकाउंट की डिटेल ली थी या नहीं? तो क्या वो उसने सारे डॉक्यूमेंट फेक इशू करे थे? और इसका मतलब अगर वो सारे डॉक्यूमेंट सही थे तो तुमने उसे रजिस्ट्रेशन दिया, अब तुम उसे कह रहे हो कि ये नॉन एग्जिस्टिंग है, ये व्यक्ति चला गया, तो इसका मतलब मैं डिपार्टमेंट पे एक लांछन मैं भी लगा दूं कि डिपार्टमेंट तुम भी उस व्यक्ति के साथ मिले हुए हो, तुम भी उसके क्या हो, एजेंट हो। कि मैं कल को ये भी कह सकता हूं डिपार्टमेंट से कि तुमने ही तो उसे रजिस्ट्रेशन दिया, सारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास, रूल 30 के अंदर तुम्हारे पास पावर थी कि तुम उसकी क्या करते, फिजिकल वेरिफिकेशन करते या नहीं? क्या तुमने उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन की या नहीं की? ये तुम्हारा फॉल्ट है, लॉ ने तो तुम्हें मना नहीं करा था, अगर तुम्हें डाउट था तो फिजिकल वेरिफिकेशन करते। अभी आप करंट में बताओ मुझे क्या स्टेटस है, अभी भी उसका स्टेटस क्या रहा, एक्टिव? अरे तुम कह रहे हो वो एग्जिस्टेंस भी नहीं है, लेकिन तुमने अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं करा, कैंसिल नहीं करा। क्यों कैंसिल नहीं कर रहे हो, कि वो और लोगों को भी बेवकूफ बनाए? तो मैं यहां पर काउंटर क्वेश्चन डिपार्टमेंट के साथ कर रहा हूं, क्योंकि उसने मेरे ऊपर क्या बोला था, फेक, ठीक है? तो मैं ये काउंटर क्वेश्चन अभी रिप्लाई में करेंगे, देखते हैं क्या बोला इन्होंने। नोटिस फॉर इंटीमेटिंग डिस्क्रिपेंसी इज रिटन आफ्टर स्क्रूटनी, क्या बोला, दिस इज इन्फॉर्म टू ड्यूरिंग स्क्रूटनी ऑफ द रिटर्न, ठीक है? डिस्क्रिपेंसी नोटिस हैव बीन मेंशन इन अटैच एनेक्चर, यू आर हेयर बाय डायरेक्ट टू एक्सप्लेन द रीजन फॉर द अफोसेड डिस्क्रिपेंसी बाय द डेट मेंशन इन टेबल बिलो। आप मुझे 30/11 तक का रिप्लाई सबमिट करो। यहाँ पे मैंने उन्हें पकड़ ही लिया, क्योंकि लोग क्या कहता है कितने दिन में देना है, 30 दिन में। इफ नो एक्सप्लेनेशन इज रिसीव्ड बाय द सेट डेट, इट विल बी प्रज्यूम दैट यू हैव नथिंग टू से इन द मैटर एंड प्रोसीडिंग इन अकॉर्डेंस विद द लॉ मे बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू विदाउट मेकिंग एनी फर्दर रेफरेंस। अगर तुमने कुछ भी नहीं करा तो हम तुम्हारे पे फर्दर एक्शन लेंगे। अब इन्होंने क्या दिया इसमें, आदेश पत्रक। अब इस आदेश पत्रक को पढ़ो, ब्रीफ ऑर्डर को पढ़ो। इन्होंने क्या कहा कि SGST एक्ट की धारा नियम 99 के अंतर्गत, नियम कौन सा, 99 का मतलब भाई रूल 99 हमने कहा कि अंतर्गत जांचो प्रांत पाया गया कि अवधि 19-20 में कर द्वारा फेक इनवॉइस और इनवॉइस इश्यूड बाय नॉन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से वैल्यू ऑफ ईवे बिल रुपीज, ठीक है ना? उन्होंने कहा ईवे बिल, तुम माल देखो क्लाइंट ने ईवे बिल के थ्रू मंगाया है, तब भी ये कह रहे फेक। अबे भाई तो गाड़ी पकड़ते ना तुम, जब ईवे बिल इशू किया गया था, ईवे बिल साइट से ही तो इशू किया होगा, मैंने फेसबुक से तो इशू नहीं करा, फेसबुक या व्हाट्सएप से तो नहीं करा ना, वेबसाइट से हुआ ना। तो जब तुम्हें लग रहा था ये फेक है तो उस गाड़ी को तभी पकड़ते, उस ईवे बिल को देखते। तुम अब मुझे बता रहे हो कि फेक है। वैल्यू ऑफ ईवे बिल रुपीज दिस का उपयोग करते हुए दे माल का क्रय किया गया, इससे यह संदेह उत्पन्न होता है। इससे क्या होता है, संदेह, डाउट हो गया उन्हें, और डाउट के बाद ही तुमने मुझ पे इल्जाम लगा दिया। डाउट नहीं है, ये तो यकीन है तुम्हारा, ठीक है ना? कि व्यवसायी द्वारा बिना किसी वैध आधार के, बिना किसी वैध क्रय बीजक के ही अवैध आघात का प्रयोग किया गया, अतः CGST एक्ट की धारा नियम के अंतर्गत क्रय एवं आगत कर की राशि की पुष्टि एवं सत्यापन हेतु अवसाद कागजों के उपस्थिति हेतु
एएसएमटी 10 पर ऑनलाइन सूचना निर्गत करे, सुनवाई की तिथि 10/11। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अब हमें क्या करना है इसका रिप्लाई। फैक्ट समझ गया या नहीं? फैक्ट को पढ़ते पढ़ते आपको इसमें से कमियां निकालनी है, इसलिए मैंने सेक्शन 61 पढ़ा था, अदरवाइज मैं सेक्शन 61 नहीं पढ़ता, ठीक है ना। अब जब तुमने सेक्शन 61 पढ़ ही लिया है तो एक बार रूल 99 भी पढ़ लो पूरा कंप्लीट। वेयर एनी रिटर्न फर्निश बाय रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, प्रोविजन विद रेफरेंस टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम। अब ये क्या करें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इस बेस पर हम एएसएमटी 10 दे रहे हैं, तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास अवेलेबल है, क्योंकि रूल में लिखा है ना कि सेल स्क्रूटनाइज द सेम इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 61 विद रेफरेंस टू इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद हिम, क्योंकि उस पर जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एंड इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी ही सेल इशू ए नोटिस इन द जीएसटी एंट्री 10 इन्फॉर्मिंग इन सच डिस्क्रिपेंसी एंड सीकिंग एक्सप्लेनेशन डेयर टू विद इन सच टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 डेज, नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। लेकिन यहां पर यह बच गए क्योंकि एक्ट में लिखा गया कितने दिन, 30 दिन, और यहां पर इन्होंने क्या लिख दिया रूल में, विद इन सच टाइम, मतलब कि वो कम टाइम में भी दे सकता है, लेकिन मैं तो किसे मानूंगा, एक्ट को, ठीक है ना। नॉट एक्सीडिंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द नोटिस और सच फर्दर पीरियड एज मे बी परमिटेड बाय हिम एंड आल्सो वेयर पॉसिबल क्वांटिफाइंग द अमाउंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट दिस इन सच द रजिस्टर्ड पर्सन मे एक्सेप्ट द डिस्क्रिपेंसी मेंशन इन द नोटिस, कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है एंड इन्फॉर्म द सेम किसके अंदर, एएसएमटी 11 के अंदर, ठीक है। अब हम 11 के अंदर रिप्लाई देंगे, अगर 11 के अंदर हमारा रिप्लाई सही नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर सेल हिम इनटू एएसएमटी 12। अब वो क्या करेगा, एएसएमटी 12 आपको इशू करेगा। तो अब आप रेडी हो एएसएमटी 11 भरने के लिए, बोलो। तो चलो अब हम पहले इसका रिप्लाई बनाते हैं। अब यहाँ पर जब हम इस नोटिस का रिप्लाई देंगे, हम कोशिश करेंगे हमारी सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो, और अगर सेक्शन 16 की कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो हमारे को फेक नोटिस नहीं कह सकता। हमने इसे कॉपी करा यहाँ से और इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पहले यहीं से पढ़ लेते हैं, फिर इसमें ठीक कर लेंगे, फिर आगे वो कर लेंगे। कहता है दिस इज़ अ रिप्लाई, हमने लिखा उसे, ऑफ द नोटिस डेट इज सेंड बाय जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, द प्रिस्क्राइब डिस्क्रिपेंसीज डेट हैव बीन नोटिस दिस इज द टैक्स पेयर हैज बीन क्लेम्ड एक्सेस आईटीसी एज पर योर प्रिस्क्राइब नोटिस। दिस इज टू बी सर्टिफाइड डेट द इनवॉइस एंड द डिटेल ऑफ जीएसटीआर 3B एंड 2A हैज बीन प्रॉपरली मैच ऑन द जीएसटी पोर्टल। हम उसे क्या कह रहे हैं कि भाई हमारी जीएसटीआर 3B और 2A क्या है, आपस में फुल्ली मैच है। तो इसका मतलब ये एविडेंस आया कि सामने वाले ने अपनी जीएसटीआर 1 भरी हुई है और उसने अपनी 3B भी भरी हुई है। एंड द प्रूफ ऑफ ई वे बिल बैंक स्टेटमेंट पार्टी लेजर एंड परचेज इनवॉइस हैज बीन ड्यूली अटैच विद द हम्बल रिप्लाई। इस रिप्लाई में हम तुम्हारे को क्या क्या अटैच करके दे रहे हैं, ई वे बिल भी दे रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, पार्टी के लेजर भी दे रहे हैं और परचेज इनवॉइस भी दे रहे हैंज बीन ड्यूली अटैच विद द हम्बल रिप्लाई। सो एज पर योर नोटिस आई हैव प्रोवाइडेड प्रूफ ऑफ एविडेंस डेट द आईटीसी विच हैज बीन क्लेम्ड इज ट्रू एंड फेयर एज पर सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट, ठीक है ना जी। सो वेयर आर द रीजन ऑफ डिस्क्रिपेंसी डेट यू हैव बी प्रोवाइडेड मी टू द नोटिस डेट द ITC विच हैज बीन क्लेम्ड बाई इन एक्सेस एज पर द प्रिस्क्राइब नोटिस। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को ये बात बोली। अब इसे थोड़ा सा लीगली ड्राफ्ट कर लेते हैं। इन रेस्पॉन्स, हाँ इंग्लिश थोड़ी चेक कर लें, इन रेस्पॉन्स टू योर नोटिस, हाँ बोलो, डेटेड 16/11/2019, ठीक है। इन रेस्पॉन्स टू योर अबव नोटिस कर देते ना, ठीक है, अबव नोटिस डेटेड 16/11/2019, हाँ जी बोलो आगे, अबव नोटिस लो रेफरेंस नंबर भी लिख देते हैं। इन रेस्पॉन्स टू योर अबव नोटिस रेफरेंस टू रेफरेंस नंबर दिस डेटेड दिस वी आर सबमिटिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू ये कर देते टू जस्टिफाई डेट ITC क्लेम्ड By the assessee is as per section 16 of CGST Act 2017 and not fake.
ठीक है ना जी। साथ में हम क्या क्या दे रहे हैं, टू जस्टिफाई डेट ITC क्लेम्ड बाय द SSC इज एज पर सेक्शन 16 ऑफ CGST एक्ट रेड विद रूल्स, ठीक है ना, आर नॉट फेक। हम क्या क्या सबमिट कर रहे हैं, वी आर सबमिटिंग फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, देख लेंगे ऊपर हटा देंगे। टैक्स इनवॉइस, वैलिड टैक्स इनवॉइस लिख देते हैं यहां पर, वैलिड टैक्स इनवॉइस एज पर सेक्शन 31 रेड विद रूल 46, ठीक है। सेकंड हम क्या दे रहे हैं, ई वे बिल, ठीक है ना, ई वे बिल इशूड एज पर सेक्शन 68 रेड विद रूल 138, ई वे बिल इशूड एज पर सेक्शन 68 रेड विद रूल 138 इशूड बाय GSTN पोर्टल। मैं उन्हें बता रहा हूं ना भाई, मैंने अपने घर पे नहीं बनाई ये किसने इशू करे, GSTN पोर्टल ने। और क्या दे रहे, बैंक स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन, रिलेटेड ट्रांजेक्शन टू जस्टिफाई डेट। भाई लिख तो रहा हूं, टाइम वर्कर टू जस्टिफाई या टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ 180 डेज, ठीक है ना, टू कंडीशन ऑफ 180 डेज ऑफ, देख लेंगे स्पेलिंग वो ग्रामर देख लेंगे, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेकंड प्रोविजो, ठीक है ना, ब्रैकेट में डाल देते 180 डेज है ना ऑफ सेक्शन 16(2), ठीक है, 16(2) रेड विद रूल 37। तो हमने लिखा बैंक स्टेटमेंट ऑफ रिलेटेड ट्रांजेक्शन टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ सेकंड प्रोविजन 180 डेज ऑफ सेक्शन 16(2) रेड विद रूल 37। एंड इन एडिशन टू अबव आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, चलो लाइन चेंज कर लेंगे, आई वांट टू ड्रॉ, क्या लिखते हैं वकील साहब इसमें लाइन में, आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन डेट माय काउंटर पार्टी, ठीक है ना, जो भी मेरी माय काउंटर पार्टी हैज सबमिटेड ऑल रिटर्न्स, ठीक है ना, 3B एंड GSTR 1, कि उन्होंने क्या करा है, सारी रिटर्न सबमिट करिए 3B एंड GSTR 1 एंड ऑल द बिल्स हैज बीन शोइंग इन माय GSTR 2A। इट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, माई सप्लायर, ठीक है ना, आल्सो फॉलो द रूल्स, ठीक है ना, एंड लो कि मेरे सप्लायर ने GSTR 3B and 1 फाइल करी है, इसका मतलब कि उसने सारा वो फॉलो करा है, ठीक है ना। और इसमें और क्या लिख सकते हैं जी, एंड एज पर सेक्शन, चलो लिख देते हैं 61 रिप्लाई ऑफ द नोटिस शुड बी गिवन इन 30 डेज वाइल इंस्टेड ऑफ 15 डेज ऑन द अबव फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स, ठीक है,
इट इज क्लियर डेट आईटीसी ऑन द अबव इनवॉइसेस आर नॉट फेक एंड जेन्युइन इन आईज ऑफ लॉ. एंड बोनाफाइड लिख दे. चलो भाई तुम खुश रहो, कोई नाराज नहीं होना चाहिए. बोनाफाइड इन आईज ऑफ लॉ. सो नोटिस एज पर सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 में था ना वो वाली बात कि अगर मेरा सेटिस्फैक्ट्री है तो वो क्या कर देगा नोटिस को. यहाँ पर देख लेते. हाँ तो एज सेक्शन 62 का वाला देते थे ना. कौन सा था सेक्शन 61 का सबसेक्शन 2 था ना सेक्शन. ठीक है ना. एज पर सो एज पर सेक्शन 61 2 नो फर्दर. बोलो उसने कहानी थोड़ी लिखनी थी तुम्हें. क्या था वर्ल्ड लिमिट. अभी ऐसा करते हैं ये जो हमने इतना लिखा है तो इसे तो सेव कर ले गई. पता चला इतनी मेहनत करी हमने. ठीक है रिप्लाई करा हमने इसी पे और हमने क्या लिखा नो. क्या लिख रहे हैं अभी इसमें. हाँ प्लीज. हाँ प्रे कर लेते हैं प्लीज ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स. ठीक है थैंकिंग यू. ड्रॉप भी हो सकता है. ठीक है ना थैंक्स. ठीक है ना क्लियर है या नहीं. इसमें एक चीज और मेरा लिखने का मन कर रहा है. एंड वन मोर थिंग इज दैट अभी इसे चेंज कर लेंगे कैसे लिखना है पर मैं एक बार लिख दूँ बॉडी में. हाँ वन मोर थिंग इज दैट इफ डिपार्टमेंट इज सेइंग दैट माई सप्लायर इज नॉट इन एग्जिस्टेंस. ठीक है ना अगर वो कहता है कि मेरा सप्लायर किस में नहीं है एग्जिस्टेंस में नहीं है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन. ठीक है ना माई सप्लायर GSTN इज एक्टिव. ठीक है ना ऑन पोर्टल एंड GSTN नंबर इज इशूड बाय द डिपार्टमेंट. इफ डिपार्टमेंट हैव एनी डाउट ये बाद में भी लिख सकते हो कभी अगली प्रोसीडिंग में लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूं. इफ डिपार्टमेंट हैज एनी डाउट ऑन एग्जिस्टेंस. ठीक है ना ऑन एग्जिस्टेंस ऑन माई सप्लायर ठीक है ना ही कैन डिपार्टमेंट कैन डू फिजिकल वेरिफिकेशन एज पर सेक्शन एज पर रूल 30 रूल 30 एंड कैंसिल द सेम. कि अगर तुम्हें लगता है कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं तो आप उसका डिपार्टमेंट में फिजिकल वेरिफिकेशन करो और उसे क्या कर दो कैंसिल कर दो. तो भाई इस वाले को हम क्या करेंगे इस वाले रिप्लाई को या तो यहाँ पर लिख दो तुम पूरा लिखा जा सकता है अदरवाइज क्या करो इसे एक वर्ड की फाइल में बनाओ और इसे भी साथ में अटैच कर दो. ठीक है और यहाँ पर ऊपर लिख दो कि भाई ये रिप्लाई एट इज एज इट इज अटैच है. ठीक है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक चूज फाइल कर लेंगे. लेट सपोज कि हमने कुछ भी चूज फाइल कर लिया और यहाँ पर इसे क्या कर दिया अटैच और अटैच करने के बाद क्या कर देंगे हम इसे यहाँ पर सबमिट फाइल. तो बस ये सिंपल रिप्लाई आपको देना है. लेकिन रिप्लाई देते समय देखो अब इस रिप्लाई में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी. सेक्शन 61 पढ़ा रूल 99 पढ़ा वहाँ पे लैकुना निकाला सेक्शन 36 पढ़ा
ठीक है ना, सेक्शन वो सॉरी सेक्शन 16 पढ़ा, रूल 36, रूल 37 का हवाला दिया, सेकंड प्रोविजो का हवाला दिया, रजिस्ट्रेशन का, फिजिकल वेरिफिकेशन का हवाला दिया। तो आप मेरी बात को बस ये समझिए कि भाई जब भी आप किसी चीज़ का ऐसे रिप्लाई देते हो तो यू हैव टू नॉलेज, आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर लॉ की नॉलेज नहीं है तो आप एक अच्छा रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो पहले ना थोड़ा सा ना लॉ को पढ़ना शुरू करो, समझ रहे हो मेरी बात। ये तो मैंने आपको बता दिया एक, अब ऐसे ना बहुत सारे आएंगे, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कपिल जैन से कि मैं सारे नोटिस के रिप्लाई बताऊं। ये तो मैंने एक जनरल लैंग्वेज लिखी, आप इस लैंग्वेज को और अच्छा कर सकते हो, और अच्छे वर्ड्स सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ, समझ आया कैसे इसका रिप्लाई देना है? कर दोगे रिप्लाई? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है? सबमिट अभी नहीं करेंगे, स्पेलिंग चेक करा लूँ पहले मैं, ठीक है ना? हाँ चलिए ठीक है, आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।